हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के बीच न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, दाल पूड़ी और आम रस। जैसे कि आम का सीजन चल रहा है तो इसीलिए मैं आज न्यू रेसिपी बनाने वाली हूँ, दाल पूड़ी एंड आम रस। तो दाल पूड़ी बनाने के लिए मैं आधा किलो दाल ली हूँ, भिगोया हुआ। ऑलरेडी मैं भिगो कर रखी थी दाल। ये देखिए, एकदम अच्छे से दाल फूल चुका है, जो कि एकदम नाखून से दबाने पे फूट रहा है दाल। तो सबसे पहले मैं दाल को पका लूँगी। मैं एक कढ़ाई रखती हूँ, कढ़ाई में तेल डालूँगी 2 चम्मच। तेल जब हो जाएगा गरम, तो अब देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है। मैं दाल को डालूँगी इसमें और फ्राई करूँगी। तो अब मैं दाल को फ्राई करूंगी अच्छे से तेल में। अब मैं इसमें 2 चम्मच हल्दी डालूंगी। अब हल्दी को भी एकदम मिक्स कर लेना है दाल में चलाकर अच्छे से। तो अब हमारा दाल को मैं एकदम चला चुकी हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूंगी 2 ग्लास। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ पकने के लिए। कम से कम 10 मिनट में हमारा दाल पक चुका है। ये देखो दाल पक चुका है। तो अब मैं गैस को बंद कर दी हूँ। अब मैं दाल को उतार ली हूँ चूल्हे से। अब मैं दाल को थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। ये देखिए हमारा दाल ठंडा हो गया है। तो अब मैं एक मिक्सी के जार में दाल को पीस लेती हूँ। एकदम बारीक दाल को पीस लेना है। तो ये देखिए दाल पीस चुका है। अब मैं दाल को एक थाली में निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैं पूरा दाल पीस चुकी हूँ। अब दाल को मैं साइड में रख देती हूँ। तो अब मैं मसाला बनाती हूँ उसमें, दाल पूड़ी में जो मिक्स करके बनाऊँगी मैं हरा मसाला। तो सबसे पहले मैं धनिया डाल रही हूँ। मैं तीखा बनाने वाली हूँ तो मिर्ची ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। लहसुन डाल रही हूँ 15 से 20 के लिए। अब मैं हरे मसाले को पीस लेती हूँ। तो ये देखिए मैं मसाला पीस चुकी हूँ। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ हरे मसाले को। तो अब मैं फिर से उबाला हुआ पीसा हुआ दाल को फ्राई करूंगी, हरे मसाले में भूनूंगी। तो सबसे पहले मैं तेल डाल रही हूँ 3 चम्मच। अब मैं जीरा डालूंगी, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें कढ़ी पत्ता डाल देती हूँ। अब मैं हरा मसाला डाल देती हूँ इसमें। अब हरा मसाला डालकर इसको थोड़ा हमको भुनना है, चलाना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें हींग डाल रही हूँ, यानी कि 1/2 चम्मच। नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच। अब देखिए मसाला हो चुका है। तो अब मैं जो पिसा हुआ दाल एंड उबला हुआ दाल रखी थी, अब उसको डाल के इसमें मैं भूनूंगी, मिक्स करूंगी ग्रीन मसाले में अच्छे से। तो अब हमारा दाल पूड़ी का स्टफिंग रेडी हो चुका है। इसको मैं थाली में निकाल लेती हूँ। एक बड़े बाउल में निकाल लेती हूँ मैं कढ़ाई से।
तो ये देखिए हमारा ग्रीन ग्रीन एंड चटपटा स्टफिंग रेडी हो चुका है। तो अब मैं आमरस बना लेती हूँ। आमरस बनाने के लिए मैं 2 फ्रेश बड़े बड़े आम ली हूँ पके हुए। तो सबसे पहले मैं आम को छील लेती हूँ, उसका छिलका उतार लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आम को छील चुकी हूँ। अब मैं चाकू की सहायता से आम को काट लेती हूँ। तो आम हमारा पका हुआ है, तो इसको मैं चम्मच की सहायता से एकदम इसको मैं मथ लूँगी अच्छे से, इसका एकदम मतलब चटनी जैसे बना लूँगी। तो आम रस मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं आटा गूंथ लेती हूँ फ्रेश एकदम मुलायम सॉफ्ट, कम से कम मैं 1 किलो आटा गूंथी हूँ। ये देखिए मैं आटा भी गूंथ चुकी हूँ। तो अब मैं दाल पूड़ी स्टफ करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डो लूँगी, एकदम छोटा सा नहीं लेना है ना, एकदम छोटा ना मतलब एकदम बड़ा, एकदम मतलब नॉर्मल डो लेना है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा आटा लगाती हूँ डो में। अब मैं इसको राउंड राउंड करूँगी एकदम जैसे दीपक होता है वैसे। ये देखिए मैं एकदम कटोरी जैसे बना ली हूँ आटे के डो को। अब मैं इसमें स्टफ भरूंगी, यानी कि दाल पूड़ी बनाने के लिए मैं इसको स्टफ करूंगी। तो अब इसको धीरे 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 ऐसे राउंड राउंड घुमा के आटे को हमको बंद कर लेना है, यानी कि अच्छे से स्टफ कर लेना है दबा दबा के। तो ये देखिए मैं एकदम स्टफ़ कर चुकी हूँ दाल पूड़ी को। तो अब मैं इसको बेलन की सहायता से एकदम धीरे धीरे इसको मैं बेलूंगी रोटी के जैसे। तो ये देखिए मैं बेल चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा फट रहा है, निकल रहा है स्टफिंग हमारा, बट कोई बात नहीं, आराम से हम बना सकते हैं। तो मैं इसको तवे पे डाल दी हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा तेल लगाऊंगी पूड़ी में। अब मैं इसको पलट देती हूँ दूसरी तरफ पूड़ी को, उस साइड दूसरी तरफ भी मैं तेल लगाऊंगी थोड़ा। तो ये देखिए हमारा दाल पूड़ी पक चुका है एंड फूला फूला हुआ बना है। तो मैं दाल पूड़ी को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा दाल पूड़ी एंड आमरस बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए इस सीजन में, आम के सीजन में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मैं दाल पूड़ी और आमरस कैसा बनाई हूँ। मैं फिर मिलती हूँ आप लोग से न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ।